अंदर मत जाने देना, ठीक है। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग एम एस के ब्लॉग। तो गाइज हम लोग है कांदिवली में, सलीम भाई के साथ है हम लोग। सलीम भाई का लॉट यहाँ पर आया हुआ है बकरों का, जैसे कि सलीम भाई और फिरोज भाई दो जन है ना, हाँ, तो इनका यहाँ पे लॉट आया हुआ है बकरों का। हर साल इनको यहीं पर काफ़ी टाइम से ये लोग बकरे यहाँ से सेल करते हैं इस जगह से। इस बार भी इन्होंने बकरों का लॉट लाया हुआ है, तो आइए हम लोग सलीम भाई से और फिरोज भाई से मिलाएंगे आपको और जानेंगे कौन सी ब्रीड के बकरे हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारा लॉट है बकरों का, हम लोग ने अभी अंदर ले लिया बकरों को, और सलीम भाई हमारे साथ में है, फिरोज भाई हमारे साथ में है। हम दोनों लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। वालेकुम सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस बार आपने हमको मौका दिया यहाँ पर आके वीडियो बनाने का। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे और अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ये एरिया कौन सा है और कहाँ पर बकरे एग्जैक्टली है, किस गली में है, किस मोहल्ले में, यहाँ पर फेमस लैंडमार्क क्या है, यहाँ पर पहुँचा कैसा जाए, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद में ना ब्रीड के ऊपर बात करेंगे, बकरों के दांत की बात करेंगे, वेट की बात करेंगे, फिर अपन रेट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ का इंट्रोडक्शन देंगे, जगह किधर पर है। फिर उसके ये कांदिवली वेस्ट में है, ओके। गणेश नगर 90 फीट रोड। कौन सा नगर? गणेश नगर 90 फीट रोड। गणेश नगर 90 फीट रोड पर है, चंद्रिका होटल के पीछे। चंद्रिका होटल के पीछे जी भाई, ओके। और कांदिवली वेस्ट में है, कांदिवली वेस्ट में भाई। मेन जो फेमस लैंडमार्क है वो ये 90 फीट रोड है, 90 फीट रोड, ओके, फेमस है भाई। और इस गली का नाम क्या है? ये चंद्रिका होटल के पीछे जस्ट एक बस अच्छा, ओके ओके। और नंबर तो अपन स्क्रीन के ऊपर वैसे भी दे देंगे, तो लोकेशन आप लोग सेंड कर दीजिएगा लोगों को, है ना, ठीक है। और ये बकरे का जो अपन यहाँ पे अभी जो बकरे अपन ने लाए हैं एट प्रेजेंट, कितने बकरे हैं ये भाई? 150 गॉट्स थे, 150 बकरे थे, इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 बकरे सोल्ड आउट हो गए भाई। ये कब आए थे बकरे अपने पास? ये बकरे भाई 2 दिन हो गए भाई अपने पास। 2 दिन में 60 बकरे आपने बेच दिए? जी भाई 60 से 70 बकरा सेल हो गया। फिरोज भाई बहुत फास्ट बकरे बेच रहे हैं। रहे भाई अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है भाई काम ही ऐसा है, रेट लगे वाजिब रेट है, और इसमें ऐसा नहीं कि छोटे बकरे का अलग रेट है, बड़े बकरे का अलग रेट है, कोई मसला नहीं। सब मसले के सब बकरे जो है सेम रेट है, सेम रेट है। 40 किलो से लेके आपको 65 किलो तक का, जो भी आप कोई भी जानवर पसंद करो, ऐसा नहीं कि अगर 60 किलो के प्लस ये अलग रेट है, सब सेम ही रेट है भाई, छोटा बड़ा सब एक रेट है, ओके। क्या दांत से क्या दांत तक के बकरे हैं अपने पास? दो दांत के भी है, 4 दांत के भी 6 दांत के भी, मतलब 4 से 6 दांत के ही बकरे इसमें। हाँ, और 2 दांत के भी है, 2 दांत 4 दांत 6 दांत, 2 से 6 दांत तक, 8 दांत का कोई भी बकरा नहीं, 8 दांत का कोई बकरा नहीं, ठीक है। और वेट क्या होगा बकरों का? जैसे वेट भाई 40 kg से लेके 65 kg तक है, 40 से 65 kg तक, ओके। भारी जानवर भी 75-80 तक भी वो सब सोल्ड आउट हो गए भाई। अपन थोड़ा बहुत बढ़िया माशाल्लाह, 4 दांत पे भाई, कैमरे पे दांत नहीं दिखाना अपने को, ये 4 दांत पर है, ठीक है, क्योंकि YouTube पॉलिसी में ये सब चीज़ें अभी मना कर दी गई है। हम लोग वीडियो आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता देंगे कि अगर आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेके इनसे शेयर करें, शेयर तो मैं बोलता हूँ ना ही करें, क्योंकि अभी ये सीज़न का टाइम है। हाँ। आप लोग यहाँ डायरेक्ट आए, डायरेक्ट आके पसंद करो, देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पर आके मुझे कम से कम लगभग 1.5 घंटा हो गया, कस्टमर कंटिन्यू यहाँ पर चालू है। तो अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं आया तो आप लोग बोलोगे कि भाई वो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। हाँ। फ़ोन नंबर हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर आने में हेल्प हो जाए। हाँ। है ना, सही है, क्योंकि अभी हर एक बकरे का स्क्रीनशॉट ले लेके लोग आपको भेजेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। जब तक बिक जाता रोज का, जब तक 20-30 बकरा तो सोल्ड आउट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक इसमें से और बकरे बिक जाएंगे, है ना। तो बकरे हम लोग सिर्फ आपको एक अंदाजे के तौर पे दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑन द वे इनकी और भी दूसरी गाड़ियाँ आ रही है, कभी और गाड़ियाँ कब आने वाली है? अभी ये सैटरडे के दिन अपना एक लॉट आने वाला है, और मंडे के दिन भी, मंडे ट्यूजडे के दिन भी एक लॉट अपना आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर का भी एक नज़ारा दिखा दूंगा कि यहीं से लोगों ने लेके बाहर गली में कितने लोगों ने बकरे ले लिए तुरंत, मतलब यहाँ पे बकरा आया और बाहर लोगों ने खरीद के रख भी लिया बकरे को। लेकिन रेट ना फिक्स रेट रहेगा, रेट अपना जो रहेगा वो फिक्स रहने वाला है, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं रहेगा। अपन वेट के हिसाब से बकरे बेच रहे हैं, नक के हिसाब से नहीं है ना, वेरी गुड, सही है।
पकड़ो, वेट करो, ले लो पेमेंट, रेट फिक्स रहेगा। रेट के अंदर कोई भी गुंजाइश? कोई भी गुंजाइश। अभी लोग सोचते हैं कि चार बकरा ले रहा हूँ, दो बकरा ले रहा हूँ, तो रेट कम हो जाए। रेट फिक्स ही है, चाहे आप चार बकरा लो, दो बकरा लो, एक बकरा लो, इसी वजह भाई क्या हिसाब से भाव बेच रहे हैं। जंगल में भी है ना, बहुत ज्यादा रेट हो गया। जैसे अभी राजस्थान वो साइड में आप इस साइड चले आओ, 350 रुपया, 400-450 रुपया तो उस साइड में खरीदी हो रहा है। ओके, उस साइड खरीदी हो रहा है भाई। सही। अरे यार दाना भी तो तुम लोग अच्छा के दे रहे हो यार बकरों को। माशाल्लाह, फीड वगैरह भी अच्छी दे रहे हैं। गेहूं है उसमें, जौ कहाँ है? मैं वही देख के हाथ में मांगा आपसे कि वो देखूं तो उसे क्या खिला रहे हो आप। माशाल्लाह फीड भी अच्छी दी जा रही है बकरों को। ये टोटल अपने पास मालवा में है ना? ये मालवा में देसी बच्चे, मालवा देसी है, मालवा में देसी बच्चे। ओके, माशाल्लाह बकरों की फिटिंग बहुत अच्छी है। हाँ वो वाला बकरा नहीं है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये देखिए सब देसी बच्चे, बकरों की फिटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आराम से आराम से लगता नहीं है, लेकिन ये बकरे ठोस होते हैं। हाँ। जब अपन काटा करेंगे तो इनका वजन उतना आएगा ही, जो आप बता रहे हो। वो ब्राउन वाला दिखाना फिरोज भाई, ब्राउन वाला भी अच्छा बकरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है। वाह क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। ये देखिए ये बकरे आप लोग देखे, ये भीड़ में नहीं मालूम पड़ते, इसलिए हम लोग थोड़े बहुत बकरे आपको सेग्रीगेट करके शॉर्टलिस्ट करके दिखाएंगे इस वीडियो में। माशाल्लाह ये ब्राउन वाला बकरा देखिए, पूरा प्लेन ब्राउन नासी कलर में आराम से होगा। उसकी फिटिंग ही बता रही है, फिटिंग देखो। वो बकरा ऐसा ना चर्बी वाला नहीं है, उसकी वही चीने की बनावट देखो, उसकी बनावट देखो, चेस्ट की खाली और गर्दन की, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। ये देखिए अभी कजरा में बच्चे, माशाल्लाह इसके, इसका फेस कितना अच्छा है, ये देखिए खूबसूरती बहुत अच्छी है माशाल्लाह इसकी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सारे बकरे हैं इसके अंदर। हम लोग थोड़ा और अंदर जाके और थोड़ा सा आपको वो दिखा देंगे लोगों को, ताकि लोगों को ये वाला दिखाओ अपना भाई। ये इसका क्या नाम था, इसका आप बता रहे थे? इसका हम लोग ने नाम रखा है गबरू, गबरू गबरू गबरू। देखिए भाई अलहमदिल्ला हाइट कम है, जानवर, लेकिन जानवर अच्छा, 65 किलो का, आराम से आराम से आराम से मुंह से खाता है। हाँ हाँ हाँ, भाई का बकरा नहीं है, मुंह से खाता है। चलो बहुत अच्छे, फिरोज भाई बहुत मजाकिया इंसान है और एकदम रोक बाई टोक आदमी है। हाँ। जगह पे जो है रोकड़ा। माशाल्लाह, तो ये सारे बकरे हैं और यहाँ पे 6-2 दांत से 6 दांत तक के बकरे हैं। वजन भी हम लोगों ने आपको वीडियो में बता दिया। अब सबसे मेन पार्ट जो है रेट, हम लोगों ने रेट जो बताया फिक्स बताया, लेकिन रेट है रखने क्या वाले हैं हम लोग? रेट भाई अभी स्टार्ट में अपने तो अभी तो 400 रुपये रखा है भाई। और अभी जो ये लॉट है हमने ये भी अपने 400 रुपये से सेल करे। आने वाला जो लॉट है उसका कोई फिक्स नहीं, अपनी तो कोशिश है कि भाई 400 रुपये में अपन सेल करे। पर कैसा है माहौल, जैसा है उस हिसाब से कभी अगर रेट अपने को भी सामने से महंगा आता है तो फिर वो अपने को भी थोड़ा बहुत 19-20 करके देना पड़ेगा। सही है, बट अपन ने ऐसा कुछ इरादा तो नहीं किया कि आगे जाके महंगा ही बेचना है। अगर आगे से अपने को माल महंगा आता है तो अपन महंगा बेचेंगे। कोशिश तो है कि यही रेट बेचे भाई। हाँ कोशिश अपनी यही रहेगी कि 400 रुपए में ही अपन सेल करें। टाइम भी हम लोग ने भाई लास्ट टाइम तक का हम लोग को सस्ता है, हम लोग ने 350 रुपए में रेट बेचा लास्ट टाइम तक का। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबकि भाग 500-600-700 रुपए किलो बिक रहा था भाई। हम लोग 350 का ट्रेंड लाने वाले हम लोग ही, और 350 रुपए लास्ट तक का कोई लालच नहीं किए भाई, कोई नहीं, सबकी कुर्बानी हो जाए भाई, और 350 रुपया ही तक लास्ट तक बेचा। बकरे का शॉर्टेज होने तक कि हम लोग सस्ता है, हम लोग ने सस्ता ही बेचे भाई। बहुत बढ़िया, कोई लालच नहीं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इस बार भी अपनी कोशिश यही रहने वाली है कि अगर अपने को आगे से चीज अच्छी आवे और सस्ती आवे तो अपन भी सस्ते में ही देंगे। सही है, अभी हम लोग गली का एक माहौल दिखाएंगे लोगों को, है ना, कि लोग यहाँ के लोगों ने ही कितने लोगों ने यहाँ पे बकरे लेके इनसे रखा हुआ है। ये देखिए ये आस पड़ोस के लोग हैं, इन्होंने खुद से ही ये लोग ने यहाँ पे बकरे खरीद के रखे इनसे। ये सारे बकरे हैं, यहाँ पे एक बकरा है, ऐसे कंटिन्यू कितने बकरे यहाँ पर। ये लोग क्या गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे क्या बकरे खरीदने के लिए? ये देखिए ये सब इनके यहाँ से बिके हुए हैं और एकदम फिट एंड फाइन बकरे। ये देखे माशाल्लाह ये बिक चुके हैं बकरे, आस पड़ोस के लोगों ने लिए, ये दोनों बकरे बिक चुके हैं, वो मक्की चीना बिक चुका है, उसके पीछे वो बिक चुका है, ऐसे ये सारे बकरे जो है ना बिक चुके हैं।
और सबने चालस मारे हैं माशाल्लाह। तो ये इनकी गली के लोगों ने जो बकरे लिए वो भी हम लोग बत जो हम लोग बात कर रहे थे गली के लोगों ने बकरे खरीद लिए ठीक है। लोग वीडियो बनाने के लिए हाथ पकड़ रहे हैं ठीक है ठीक है। ये देखिए सामने एक बकरा इन्होंने ले लिया ठीक है। तो सलीम भाई वीडियो को क्लोज करते हैं जी भाई। हाँ लोग ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं वीडियो में आने के लिए। कुर्बानी तो नहीं की है भाई। आजा आजा भाई। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया मेरा फोटो लेने। मेरे को इशारा कर देने का हाथ पकड़ रहा है मोबाइल गिर जाएगा। ये बच्चा संभालता है दिन भर। अच्छा घर के बच्चे संभालते हैं। ये सब जितने भी बच्चे हैं सबको यही बच्चा संभालता है। अच्छा ठीक है। तो सलीम भाई वीडियो क्लोज करते हैं। तो गाइस नंबर में इसकी मसला है रेट एकदम फिक्स रहेगा। भाव तो होगा कोई मसला नहीं। हाँ अगर फोन करके भी पूछते हो तो भाव एक ही रेट रहेगा। एक ही रेट जो है। हाँ और बकरे देख रेट बड़ा तो बढ़ेगा तो रेट वही रेट रखे ना वाजिब रेट रखे भाई। मैंने तो मालवा के अंदर 400 रुपए मैंने अभी तक नहीं देखा। अभी तक मैं इतना घूम रहा हूँ। बताओ ये जो क्वालिटी देसी बच्चे मैं तो बोलता हूँ बहुत ये जो क्वालिटी है बहुत कम लोगों के पास है। मैं तो फिर ये और ये इसमें जो वेट होगा ना अगर जानवर अगर 50 किलो का है तो इसमें मटन कम से कम 35 से 37 किलो तक मटन आता है। और आप बहुत कम अल्हम्दुलिल्लाह बकरे के गोश्त की दुकान भी आप चलाते हो मटन की ना तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस भी है इस बात का इसीलिए आप बराबर बता पा रहे हो इस चीज़ का ना ठीक है। बात ये है और हकीकी के लिए बकरे चाहिए रहेगा। अगर हकीकी के लिए बकरे चाहिए रहेगा एनी टाइम तो हफ्ते में दो बार गाड़ी अपनी आती है। अच्छा। ये मालवा बकरा आपको मिलेगा। ओके हाँ एनी टाइम मतलब हकीकी के लिए बकरे किसको भी चाहिए 12 महीने ये बकरे मालवे का हो न्याज और कुछ भी उसके लिए फोन करके मंगा सकते हैं। मंगलवार को गाड़ी आती है और शनिचर को गाड़ी आती है दोनों दिन मंगल और शनिचर। हाँ मंगल और शनिचर हकीकी के लिए बकरे चाहिए तो मिल जाए। शादी का भी बोल रहे भाई। हाँ शादी हो जो भी त्योहार हो शादी ब्याह जो भी हो अगर बकरे चाहिए एनी टाइम बर्थडे पार्टी भी बोल देता हूँ ठीक है। तो वीडियो क्लोज करते हैं सलीम भाई है ना। तो गाइस नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दोनों भाइयों का दे दूंगा आप लोग इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना। बकरे यहाँ पर आके देखने के लिए आपको फोन नंबर दिया जा रहा ताकि आप लोगों को लोकेशन प्रोवाइड किया जाए। अदरवाइज आप लोग इनको स्क्रीनशॉट भेजोगे तो ये लोग आंसर नहीं कर पाएंगे और आपको फिर बाद में उन लगेगा कि ये लोग जवाब नहीं दे रहे। इसलिए आप प्रॉपरली यहाँ पर आप जगह पर आओ आके देखो यहाँ देख सकते हो लोग कितने लोग जमा हैं और ऐसे ही लोग कंटिन्यू यहाँ पे जमा हैं तो ये लोग जवाब देना मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं चीज़ पहले भी क्लियर कर चुका वीडियो खत्म करते टाइम पर भी क्लियर कर रहा हूँ ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़।